ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पॉली हाउस लगाने की स्कीम चलाई ताकि बेरोजगार युवा घर पर ही बेहतरीन खेती बाड़ी कर या सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आजीविका कमा सके। लेकिन सरकार की ये योजना धरातल पर दराशायी होती नजर आ रही है। जिला हमीरपुर में पिछले कुछ वर्षों से दर्शनों पॉली हाउस कट बोर्ड फट चुके हैं, लेकिन किसानों को विभाग द्वारा रिपेयर के लिए कोई सहायता नहीं दी जा रही है, जिसके चलते किसानों के ये पॉली हाउस सफेद हाथी बने हुए हैं। वहीं कृषि विभाग रिपेयर के लिए बजट उपलब्ध न होने की दुहाई देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए किसानों को बेहतरीन खेतीबाड़ी के लिए पॉली हाउस योजना भी चलाई है, ताकि किसान व बेरोजगार युवा अपने घर द्वार पर ही अच्छी किस्म की सब्जियां उगाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। लेकिन हिमाचल सरकार की पॉली हाउस योजना धरातल पर कहीं ना कहीं दम तोड़ती नजर आ रही है। कुछ वर्ष पहले कृषि विभाग ने किसानों के लिए पॉली हाउस लगाए थे, जिससे किसानों ने कुछ समय तक इन पॉली हाउस में खेतीबाड़ी कर और सब्जी उगाकर अच्छा मुनाफा भी कमाया। लेकिन अब ये पॉली हाउस पूरी तरह से कट व फट चुके हैं, जिसके कारण किसानों ने इनमें खेतीबाड़ी करना छोड़ दिया है। हालात ये है कि इन पॉली हाउस में खपतवार व घास फूस उग चुका है। वहीं किसानों का कहना है कि विभाग के पास पॉली हाउस रिपेयर के लिए कई बार समस्या को उठाया है, लेकिन विभाग बजट उपलब्ध न होने की दुहाई देता रहता है। किसानों ने प्रदेश की जयराम सरकार से पॉली हाउस रिपेयर के लिए बजट मुहैया करवाने की गुहार लगाई है, ताकि किसान इसकी रिपेयर करवा सके और दोबारा से इनमें खेती बाड़ी का काम शुरू कर सके। सरकार ने यहाँ बहुत से पॉली हाउस लगवाए हैं, लगभग 500 और पॉली हाउस वर्षक क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन सभी के सभी खराब हालत, बहुत बुरी हालत में, बड़ी दयनीय स्थिति में है। और सरकार दावे करती है कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। तो सरकार से हमारी मांग है कि इनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाए और गरीब आदमी की जो सहायता होनी चाहिए। और हमारे पॉली हाउस में बहुत से अच्छी अच्छी फसलें पैदा करके दी हैं, जो अब नहीं हो पा रही हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको जल्दी ठीक करवाए। इसके बारे में तो ये कहेंगे हम, काफ़ी उससे ख़राब चल रहा है ये, तो हवा छोड़ गया। अब 5 साल की गारंटी है इसकी और 7-8-9 साल इसको हो गए हैं, तो 5 साल के बाद वैसे ख़राब हो जाती है जो सीट जो है। तो कई बार हमने विभाग को बोला कि कम से कम इसके लिए मत करो। अब हम तो मतलब पैसा लेके बड़े मुश्किल से इसको तैयार किया, कुछ गवर्नमेंट ने दिया, कुछ अपना पैसा लगाया। अच्छा 2-3 साल तो हम इस मेहनत में लगे रहे। अच्छा जब उसमें आमदनी का साधन बढ़ने आया और उसमें कुछ पैदावार होने शुरू हुई, तो ये सारा हवा से ख़राब हो गया। हमने विभाग को बोला कि हमें कुछ अनुदान दो उसके लिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं, जो हमने लिया हुआ वो ही अभी अब तक हम दे नहीं पा रहे हैं। तो ये तो हम तो फंसा के रहती गवर्नमेंट ने, हमारी इतनी ज़मीन ख़राब हो रही है सारी, ना उसको उखाड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और उसके लिए पैसे का प्रबंध कोई हो नहीं रहा है। तो आप क्या मांग क्या करते हैं सरकार? मांग सरकार हमारे से है कि जो ये फटा हुआ, जो खराब हुआ, उसके रिपेयर के लिए हमें कुछ अनुदान दिया जाए, पैसा दिया जाए, ताकि हम इसको बना सकें। अगर ये बनेगा तो हम इसका फिर अच्छी आमदनी पैदा करेंगे। अब तो हमने बड़ी अच्छी तरह से बना दिया इसको, हमने मिट्टी इसकी बहुत बढ़िया है, खाद डाली हमने, सब कुछ किया हुआ, ना तो दूसरी चीज़ें हम बीज सकते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम बिगड़ चुका है इसका। बहिन जिला कृषि उपनिदेशक कुलदीप वर्मा की माने तो किसानों ने पॉली हाउस रिपेयर के लिए विभाग से गुहार लगाई है, लेकिन विभाग के पास पॉली हाउस रिपेयर के लिए बजट उपलब्ध नहीं है। सरकार से बजट उपलब्ध होते ही किसानों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हमीरपुर जिला में 2018-19 में 16 कृषकों के 19 पॉली हाउस की रिपेयर करवाई गई, जिसमें 6,963 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र कवर किया गया तथा 7,04,000 रुपये इस पर खर्च किया गया। इस साल ऐसा कोई बचता है? इस वर्ष 2019-20 में पॉली हाउस रेनोवेशन स्कीम के अंतर्गत कोई भी बजट प्रावधान नहीं।